क्या हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अब हमारा हल्द्वानी जाने का समय आ गया है क्योंकि स्कूल्स खुलने वाले हैं और अब हम 1-2 दिन में यहाँ से नैनीताल से जाएंगे हल्द्वानी। तो मैं अभी वही कम से कम 20-25 दिन यहाँ पे नैनीताल में रही, तो हमें पैकेट का दूध मंगाना पड़ता था, तो उससे मैं 2 पैकेट करीबन रोज मंगवाती थी। और मेरी अच्छी खासी 1 कटोरा मलाई देखिए जमा हो गई थी और मैंने आधी मलाई से अभी अभी ये फर्स्ट क्लास मक्खन निकाला है मिक्सी में। देखिए ये कितनी अच्छी नोनी, इसको नोनी भी बोलते हैं मक्खन को, और ये निकाल रही हूँ मैं। और फिर बाद में इसको आग में रख के गर्म करेंगे और तब जाके फिर इसका घी बनेगा। तो अभी मैं दूसरी बार निकाल रही हूँ, ये हमने निकाल लिया। देखिए ये ठंडे पानी में बहुत अच्छा निकलता है और उसमें हमें मलाई आधी आधी डालनी पड़ती है। बहुत मलाई डाल देंगे तो थोड़ा सा निकलने में दिक्कत करता है। अब हमारा यही पानी दूसरी बार में यूज हो जाएगा। किचन में यही पानी हम दूसरी बार का, हम ये जो मलाई हमारी बची है इसको हम फिर इसमें डालेंगे। ये देखिए और इसको अब हम मिक्सी में चला देंगे क्योंकि अब ज्यादा इजी हो गया है। पहले से तो हाथ से मथ मथ के मक्खन बनाया जाता था, हाथों से खूब ऐसे फेट फेट के मक्खन निकलता था, पर अब थोड़ा सा इजी हो गया आजकल के लोगों के लिए बहुत, क्योंकि यही सब पहले से एक्सरसाइज होती थी तो हम लोग फिट रहते थे। अब हर काम मशीनों से हो रहा है तो बीमारियां भी ज्यादा हैं और आजकल के लोग फिर यही सब कुछ एक्सरसाइज करने जिम में जाते हैं, तो थोड़ा सा काम हमें करते भी रहना चाहिए। पहले से हम मसाले हाथ से पीसते थे, कपड़े हाथ से धोते थे, मक्खन हाथ से निकाला जाता था, तो हमारी हर तरीके की एक्सरसाइज होती थी। पर अब एक्सरसाइज कम हो गई है, मसाले पीसे हुए, मक्खन निकालने के लिए मिक्सी है और ज्यादा सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। तो सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं तो हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए, तो थोड़ी एक्सरसाइज हमें सुबह मॉर्निंग में जरूर करनी चाहिए। और आजकल हमने यहाँ पर नैनीताल में है तो सब लोग हमारे रिलेटिव्स यहाँ पे हैं नैनीताल में, तो हम लोग सुबह एक योगा क्लास करते हैं और वहाँ पे 1 घंटा हम अच्छा योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है और पूरा दिन बहुत अच्छा हमारा बीत रहा है। बहुत लाइट लाइट सा फील कर रहे हैं हम लोग, और यही होता है एक ज्वाइंट फैमिली का फायदा। एक और साथ रहने आजकल का, हाँ एक साथ रहने का एक फायदा। साथ रहने का फायदा, क्योंकि सारे लोग हम समाज में यहाँ पे मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, और हर तरीके की हम एक दूसरे के साथ बैठ के हर टॉपिक में डिस्कशन करते हैं, तो उससे बहुत फायदा हमें मिलता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ज्वाइंट फैमिली का एक फायदा भी है दोस्तों। तो आजकल हमारे परिवार छोटे होते जा रहे हैं, तो उससे बच्चे एक दूसरे से काफी दूर हो जा रहे हैं, तो हम बच्चों से यही कहेंगे कि आपस में आप लोग एक दूसरे से मिलते रहा करो और एक दूसरे के साथ अपने सारे बातें शेयर करा करो। घी बनाने वाली थी ना, घी बनाते बनाते लाइफ लेसन तो देने लग अब गए। ये हमारा दूसरे बार का घी बनने जा रहा है, और हम सारा देखिए ये सारी मलाई हम निकाल देते हैं अब इसे और मिक्सी में मैंने चलाएंगे और मिक्सी में इसको चला देंगे। और ये मक्खन निकलने को तैयार। तो देखिए दोस्तों, मक्खन निकल चुका है, ये बहुत बढ़िया मक्खन निकला है। अब मैं इसका बनाने जाती हूँ घी। ये देखिए वाह, बहुत बढ़िया। और जितना ठंडा पानी होगा उतना अच्छा घी निकलता है, और गर्म पानी में नहीं निकल पाता है, प्रॉब्लम होती है। और यदि हर बार की हम नई मलाई डाल रहे हैं, यदि हम पानी चेंज कर देंगे तो और अच्छा, अच्छी तरीके से बहुत जल्दी घी इसका निकल जाता है। तो अब बनाने जाते हैं इसका घी। और ये जो पानी बचा हुआ है, ये क्योंकि मलाई हमारी काफ़ी दिन की होती है और फ्रिज में रखा रहता है, तो ये
यदि ताजी मलाई का निकले तो ये हमारी कढ़ी वगैरह झोली बनाने के काम में आ जाती है और बहुत अच्छी टेस्टी झोली इसकी बनती है। पर ये काफ़ी दिनों की मलाई है तो मैं इसकी झोली नहीं बनाऊंगी और ये वेस्ट हो गया मेरे लिए क्योंकि फिर थोड़ा सी स्मेल आ जाती है। तो इसकी इतनी पुरानी मलाई की जो ये वेस्ट पानी होता है इसका कभी भी आप लोग कढ़ी या झोली ना बनाएं क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल रह जाती है। तो अब हम इसको, मेरा ये मक्खन निकल के तैयार हो गया है, अब मैं इसको गैस में रखूंगी और ये गर्म होके फिर घी इसका निकलता ही जाएगा। और ये अभी आधा उबल चुका है, पहले पहले तो बहुत झाग बन जाता है तो थोड़ा सा आंच धीमी कर लेनी चाहिए और फिर धीरे धीरे ये हल्की आंच में बनते बनते अब देखिए घी। तो मेरा ये घी तैयार, देखिए कितना बढ़िया घी तैयार हुआ है। तो देखिए दोस्तों, फाइनली घी अब निकल चुका है और जब इतना 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 इसमें वाइट ये मक्खन रह जाए तो इसमें हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी चाहिए क्योंकि अभी ये बर्तन गरम है और गरम ये घी भी गरम है। तो अभी ये अपना ये बाकी ये सब अपना घी अभी इसमें निकल जाएगा गरम से। अब ठंडा होने पर मैं इसको बर्तन में खाली कर दूंगी। तो ये निकल चुका है घी और आपने देखा कि मैंने 25 दिन में कितना घी मलाई का निकाल दिया है। तो ऐसे ही आप लोग भी करते ही होंगे और जो नहीं करता है वो मलाई कम खाएं और घी निकाल लें, घी क्योंकि काम की चीज़ है। तो दोस्तों आज मैंने बनाया घी। तो दोस्तों ये देखिए ये ठंडा हो चुका है और आपसे मैंने कहा था ना कि कुछ वाइट में हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो ये थोड़ा गर्मी से खुद ही ब्राउन होके इसने सारा घी छोड़ दिया है। यदि हम इसका पूरा ब्राउन होने तक का गैस की फ्लेम जला के रखेंगे तो ये घी फिर काला हो जाता है। अभी घी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है घी का कलर। और अब इसमें मैं छान के इस बर्तन में रख रही हूँ और देखते हैं कि कितना घी मैंने तैयार किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक का आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय।